Hey guys, welcome back to my YouTube channel. If you are new here, this is Drishti Vora. So, आज की वीडियो सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए जो अभी मेकअप शुरू करना चाह रहे हैं. Obviously, जो लोग सीखना भी चाहते हैं वो भी ये चीज़ें फॉलो कर सकते हैं एंड यू नो प्रोडक्ट्स ले सकते हैं ये वाले. बट मेनली उनके लिए है जिनको अभी शुरू करना है मेकअप या वो शुरू कर चुके हैं बट उनको पता नहीं है कि क्या लेना चाहिए और क्या नहीं और वो कन्फ्यूज है एंड बजट में भी है. सो या लेट्स स्टार्ट द वीडियो. सो गाइस, जो पहला प्रोडक्ट आपको यूज़ करना होता है वो ऑब्वियसली एक मॉइस्चराइजर होता है. हर किसी की स्किन अलग टाइप की होती है, किसी की ड्राई होती है, किसी की ऑयली होती है, किसी की कॉम्बिनेशन स्किन होती है, सबका अलग अलग होता है. वो आपको देखना है कि आपकी स्किन कैसी है. जैसे मेरी स्किन मेरे को ड्राई लगती है, चाहे वो सर्दी हो, गर्मी हो, कुछ भी हो, मेरी स्किन बहुत ड्राई होती है हमेशा. एंड मैं हमेशा ऐसे प्रोडक्ट्स चूज़ करती हूँ जो बहुत हाइड्रेटिंग हो और यू नो मेरी स्किन को एकदम ही ग्लॉसी सा बना दे, बहुत वाटरी हो, मतलब अच्छा सा हाइड्रेशन दे दे मेरे मुंह पे. सो मैं हमेशा ऐसे प्रोडक्ट्स यूज़ करती हूँ. बट मॉइस्चराइज़र के लिए मैं सिर्फ एक मॉइस्चराइज़र यूज़ करती हूँ हमेशा. 365 डेज मैं वही यूज़ करती हूँ. सो वो सेटोफिल का मॉइस्चराइजिंग क्रीम है. सो गाइस, सिंस मेरी स्किन बहुत सेंसिटिव है एंड मैं यू नो कुछ भी नहीं यूज़ कर सकती हूँ, इसीलिए मैंने ये वाला प्रोडक्ट चुना. बिकॉज़ ये डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड भी है, प्लस ये बहुत ज़्यादा अच्छे से आपकी स्किन को हाइड्रेट कर देता है और इसमें कोई फ्रेग्रेंस नहीं है. ये बहुत ज़्यादा अच्छा प्रोडक्ट है. मेरे को किसी डर्मेटोलॉजिस्ट ने रेकमेंड नहीं किया है ये प्रोडक्ट, बट मैंने ट्राई किया था बिकॉज बहुत ज़्यादा हाइप्ड प्रोडक्ट है ये सब, इसके बारे में बात करते हैं. तो मैंने सोचा कि चलो लेट्स जस्ट यूज़ दिस एंड सी कि कैसा है इसका रिजल्ट. एंड ये काफ़ी इनएक्सपेंसिव भी है, ये 508 रुपीस का है. बट अगर आप नायका से लोगे तो आपको ऑब्वियसली वो डिस्काउंट पे ही मिलेगा, सिंस नायका पे हमेशा डिस्काउंट चल रहे होते हैं. सो गाइज, मेकअप का बेस अगर आपको अच्छा चाहिए तो आपको एक अच्छा मॉइस्चराइजर यूज़ करना पड़ेगा, वरना आपका मेकअप बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा. वो एकदम फ्लेकी सा हो जाएगा और पैचेस बन जाएंगे आपके मुंह पे. तो इसीलिए हाइड्रेट करना बहुत ज़रूरी है मेकअप से पहले. तो प्लीज़ अपनी स्किन को हाइड्रेट करो, मॉइस्चराइज़र खूब सारा लगाओ अपने मुंह पे एंड अच्छे से हाइड्रेट करके फिर मेकअप शुरू करो. सो गाइज, जो नेक्स्ट प्रोडक्ट मैं दिखाने वाली हूँ वो एक प्राइमर है एंड ये वाला स्विस ब्यूटी प्रो प्राइम प्राइमर है. सो गाइज, ये वाला प्राइमर मेरे को इतना ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि मतलब ये जेल बेस्ड है बट मैट है. सो ये ज़्यादा ग्लॉसी भी नहीं करता आपकी स्किन को और एकदम पोर्स आपके ना हाइड हो जाते हैं एकदम से. अगर आप इसको लगाओगे बिल्कुल हाइड हो जाएंगे आपके पोर्स और दिखेगा भी नहीं कि आपके यू नो नीचे स्किन के नीचे पोर्स है, फाउंडेशन के ऊपर से बिल्कुल नहीं दिखेगा. तो आप ये वाला प्राइमर ज़रूर यूज़ करिए. इसमें लिखा है इसमें विटामिन सी एंड ई है विच इज़ वेरी गुड फॉर योर स्किन, तो आपको ये यूज़ करना ही चाहिए. एंड मैं हमेशा यही वाला प्राइमर यूज़ करती हूँ. मैंने अभी कुछ दिन पहले ही इसको डिस्कवर किया है एंड आई लव्ड इट, इट्स रियली नाइस. एंड प्राइमर तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है मेकअप करने से पहले बिकॉज देन आपका मेकअप मूव नहीं करेगा. अगर आप प्राइमर नहीं लगाओगे आपके पोर्स दिखेंगे, आपका मेकअप हिल जाएगा एंड वो बिल्कुल भी लास्ट नहीं करेगा. तो मेक श्योर कि आप एक प्राइमर ज़रूर लगाओ अपने मुंह पे बिफोर पुटिंग फाउंडेशन, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है मेकअप करने से पहले. सो गाइज, अब हमारा मॉइस्चराइजर हो चुका है, प्राइमर हो चुका है, अब हमें तीसरी चीज़ जो चाहिए वो फाउंडेशन है. एंड फाउंडेशन जो मैं यूज़ करती हूँ वो मेबेलिन की फिट मी 220 फाउंडेशन है. तो गाइज, मेरे को ऐसा लगता है कि किसी भी ब्रांड में मेरा एग्जैक्ट शेड मेरे को आज तक नहीं मिला है एंड मैं हमेशा मिक्स करती हूँ फाउंडेशंस और फिर यूज़ करती हूँ. बट फिट मी जो एक ब्रांड मेबेलिन का है, मैं तो बता भी नहीं सकती ये कितना ज़्यादा अच्छा है. ये एग्जैक्ट मेरा शेड है, जो मेरी स्किन का शेड है वो है, मैंने अभी लगा रखा है एंड इट्स वेरी स्किन लाइक. आप डेफिनेटली किसी नायका के ऑफलाइन स्टोर या किसी मेकअप प्रोडक्ट के स्टोर पे जाओ, अपना शेड ढूंढ के आओ एंड आई वुडन्ट सजेस्ट कि आप उधर से ही खरीद लो बिकॉज आपको डिस्काउंट नहीं मिलेगा. बट हाँ, अगर कभी कभी मिलता है डिस्काउंट तो आप ले लो. बट मैं यही सजेस्ट करूँगी कि आप नायका पे जाके ढूंढ लो अपना शेड एंड देन आप उसको ऑर्डर करो, क्योंकि दैट्स व्हाट आई डू टू सेव सम मनी. एंड मैं MRP पे क्यों लूँ जब मेरे को ऑलरेडी नायका पे यू नो डिस्काउंटेड रेट्स पे मिल रहा है. सो या दैट्स व्हाट आई डू. एंड ये काफ़ी अच्छी फाउंडेशन है, ये मैट प्लस पोरलेस फाउंडेशन है और ये मैट नहीं करती आपके मुंह को, इट्स जस्ट इन द मिडल. मतलब पता नहीं मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ उस चीज़ को, बट ना वो आपकी स्किन को ड्राई आउट करेगा, ना वो आपकी स्किन को यू नो ग्लॉसी बना देगा एकदम. बहुत ही परफेक्ट है ये फाउंडेशन एंड कोई भी यूज़ कर सकता है इस फाउंडेशन को, चाहे उसकी ऑयली स्किन हो, कॉम्बिनेशन स्किन हो, ड्राई स्किन हो, कुछ भी, कोई भी यूज़ कर सकता है इस फाउंडेशन को. तो आप डेफिनेटली अगर मेकअप अभी शुरू कर रहे हैं तो एक फाउंडेशन लेना ज़रूरी है. प्लस
Maybelline की Fit Me Foundation ही लीजिए because this is one of the best products I've used till now और ये मेरा go-to drugstore product है. इसके बगैर मैं तो कुछ कर ही नहीं पाती. ये काफ़ी बिगिनर फ्रेंडली फाउंडेशन है बिकॉज़ ये एकदम परफेक्ट है. स्किन लाइक भी है, बहुत लाइट वेट है आपकी स्किन पे, ना आपको केक ही लगेगा कुछ नहीं लगेगा. सो डेफिनेटली आप ये वाली फाउंडेशन खरीदिए. सो गाइज, अब जो नेक्स्ट प्रोडक्ट मैं आपको दिखाने वाली हूँ वो ऑब्वियसली एक कंसीलर है. अगर आप मेकअप शुरू कर रहे हो तो आपको कंसीलर की बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है बिकॉज आई नो आजकल सबके डार्क सर्कल्स होते हैं, पिगमेंटेशन होती है, बहुत सारी चीज़ें होती है. सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप. आपको एक कंसीलर में इन्वेस्ट करना बहुत ज़रूरी है बिकॉज देन आपका मेकअप बहुत ज्यादा यू नो फ्लॉलेस होगा और वो काफी अच्छी फिनिश देगा. तो जो कंसीलर मैं यूज करती हूँ वो स्विस ब्यूटी का लिक्विड कंसीलर है. तो दो कंसीलर रखने हैं बेसिकली, एक आपकी स्किन जैसा हो, दूसरा थोड़ा सा उससे लाइट हो, एक शेड ऊपर हो, बिकॉज फिर आपकी आईज हाईलाइटेड ज्यादा अच्छी लगेंगी और वो काफी अच्छी यू नो फिनिश देता है. सो मैं हमेशा दो कंसीलर्स रखती हूँ. अभी मेरा वो वाला कंसीलर खत्म हो गया है, बट दो कंसीलर्स रखती हूँ मैं, एक जो मेरी एकदम स्किन टोन जैसा है, दूसरा उससे एक शेड ऊपर है जो लाइट है, एंड उसको मैं फिर उसके ऊपर लगाती हूँ ताकि यू नो वो थोड़ा अच्छी ब्राइट कर दे मेरी आईज़ को. सो कंसीलर में इन्वेस्ट करना बहुत ज़रूरी है. तो ये वाला कंसीलर ज़रूर लो बिकॉज ये काफ़ी हाइड्रेटिंग भी है एंड आपकी आईज़ को ड्राई आउट नहीं करेगा, ना ज़्यादा हैवी है, केकी भी नहीं करेगा. सो डेफिनेटली दिस कंसीलर इज़ माई गो टू कंसीलर एंड यू शुड बाय इट. सो गाइज, जो नेक्स्ट प्रोडक्ट मैं आपको दिखाने वाली हूँ वो हर लड़की का फेवरेट होता है, वो एक मस्कारा होता है. एंड द वन दैट आई यूज़ स्विस ब्यूटी से है लिफ्ट एंड कर्ल 4D मस्कारा. वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा मस्कारा है, वो आपकी आई लैशेज को एकदम वॉल्यूमिनस बना देगा, लेंथ दे देगा, सब कुछ कर देगा. प्लस वाटर प्रूफ है, बट जब आप उसको हटाओगे तब वो आराम से निकल जाता है बिकॉज सारे वाटर प्रूफ मस्काराज आराम से नहीं निकलते हैं, नहीं यूज़ करने चाहिए क्योंकि वो आपकी असली आई लैशेज भी खींच लाते हैं, तो आपको वो नहीं यूज़ करना चाहिए. बट ये वाला मस्कारा इज़ सो गुड, ये वाटर प्रूफ भी है, प्लस आपके आई लैशेज को बिल्कुल नहीं खींच के लाता. अगर आप थोड़ा सा भी मेकअप रिमूवर लगाओगे जस्ट कम ऑफ. सो डेफिनेटली आपको ये वाले मस्कारा में इन्वेस्ट करना चाहिए. तो गाइज, अब बात आती है आई लाइनर की, क्योंकि ये सब लड़की का फेवरेट होता है. आजकल हर कोई मतलब आई लाइनर तो ज़रूर लगाता है, चाहे और कुछ लगाए ना लगाए आई लाइनर ज़रूर लगाते हैं. तो जो मैं आई लाइनर यूज़ करती हूँ वो लैक्मे का इंस्टा लाइनर है. वो काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल भी है एंड ये तो हर किसी लड़की की वैनिटी में ज़रूर होना चाहिए बिकॉज इट्स वेरी नाइस, काफ़ी मैट और अच्छी फिनिश देता है ये. मेरे को तो पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है. सो गाइज, आई लाइनर जब आप लगाओगे आपकी आईज़ काफ़ी अच्छी और फुल लगेंगी. सो डेफिनेटली आपको आई लाइनर लगाना है अगर आप मेकअप अभी शुरू कर रहे हो. प्लीज़ अपनी आँखों पर मस्कारा लगा के मत छोड़ देना बिकॉज वो अच्छा नहीं लगेगा. सो आई लाइनर लगाना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है. वो थोड़ी आपकी यू नो फेस को डेफिनेशन देता है और वो काफ़ी स्टैंड आउट करेगा आपका फेस. सो डेफिनेटली एक आई लाइनर में इन्वेस्ट करिए. तो जो लास्ट प्रोडक्ट है वो अर्थ रिदम का लिप एंड चीक टेंट है. सो मैंने लिपस्टिक इसीलिए नहीं दिखाई बिकॉज लिपस्टिक तो हर कोई लगाता है, वो सब लड़कियों को पता ही होता है. बट ये चीज़ ऐसी है कि आप ब्लश भी लगा लोगे इससे और लिपस्टिक, दोनों काफ़ी अच्छी नेचुरल फिनिश देगा. सो डेफिनेटली एक लिप एंड चीक टेंट में इन्वेस्ट करो क्योंकि काफ़ी ज़्यादा अच्छी इन्वेस्टमेंट है एंड ये काफ़ी अफोर्डेबल भी है. सो इतना कोई एक्सपेंसिव नहीं है अर्थ रिदम एंड काफ़ी अच्छा काम भी करता है. बहुत फ्लश्ड सी लुक देगा ये आपको, बहुत नेचुरल लगेगा सब कुछ. सो डेफिनेटली इस वाले लिप एंड चीक टेंट में इन्वेस्ट करो एंड आपका मेकअप विल बी कम्प्लीट. सो गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो एंड कुछ आपने सीखा हो बिकॉज ये काफ़ी मिनिमल से प्रोडक्ट्स मैंने दिखाए हैं जो एक बिगिनर को हमेशा से ज़रूरत होगी इन प्रोडक्ट्स की अगर वो अभी मेकअप शुरू कर रहे हैं या करना चाहते हैं. सो डेफिनेटली ये सारे प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट करो. सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, कॉमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड आई विल बी बैक सून विद मोर सच वीडियोज. बाई.